गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 152, शेयर द लैंड। लैंड को बांटना है, यहाँ पे क्या है कह रहा है देखते हैं। नसरीना इज अ फार्मर हु वांट्स टू डिवाइड हर लैंड इक्वली अमॉन्ग हर थ्री चिल्ड्रेन। नसरीना एक फार्मर है जो अपने लैंड को अपने तीन बच्चों के बीच बराबर बांटना चाहती है। उनके तीन बच्चे हैं, छुमकी, झुमड़ी और इमरान। इन तीन बच्चों में वो अपने लैंड को बराबर बराबर बांटना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू डिवाइड द लैंड सो दैट ईच पीस ऑफ लैंड हैज वन ट्री। और वो अपने लैंड को, अपनी जमीन को इस तरह से बांटना चाहती है कि प्रत्येक बच्चे को एक पेड़ भी मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वो उसका लैंड, जमीन, तीन पेड़ हैं टोटल। तो इस तरह से इसको तीन भाग में बांटना है, थ्री इक्वल पार्ट्स में बांटना है कि प्रत्येक को एक पेड़ भी मिले। कह रहा है कैन यू डिवाइड द लैंड इक्वली, क्या आप इस लैंड को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, बराबर बराबर बांट सकते हैं। सो हाउ विल यू डिवाइड इट, तो आप उसको दिखाइए कि आप उसको कैसे बांट सकते हैं। और रिमेंबर, याद रखें, ईच पर्सन हैज टू गेट अ ट्री, प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ मिलना चाहिए। कलर ईच पर्सन पीस ऑफ लैंड डिफरेंटली, और प्रत्येक व्यक्ति का जो हिस्सा होगा, छुमकी, झुमड़ी और इमरान, सभी के पार्ट को अलग अलग कलर से कलर करना है। तो इस तरह से देख लेते हैं हम, इसमें टोटल जो है वो 90 स्क्वायर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 × 9 इक्वल टू टोटल 90 स्क्वायर्स हैं। तो प्रत्येक को 30 स्क्वायर्स मिलना चाहिए, ठीक है ना, 30 स्क्वायर मीटर लैंड मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम बांट सकते हैं। यहाँ पर एक ट्री है, दूसरा ट्री यहाँ है, नाम लिख दिए हम यहाँ पर, और तीसरा ट्री यहाँ है। तो इसको इस तरह से हम बांट सकते हैं। देख लीजिए, ये 3, 3, 6, 9 हो जाएगा, फिर 9 यहाँ हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो 30 स्क्वायर हो गया, तो एक के हिस्से में ये चला जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, ये भी 30 स्क्वायर है और यहाँ तक भी 30 स्क्वायर है। तो एक फिर ये दूसरा हिस्सा झुमकी का हो जाएगा और तीसरा हिस्सा इमरान का हो जाएगा। प्रत्येक के हिस्से में एक पेड़ भी गया, इसके हिस्से में भी एक ट्री है, इसके हिस्से में भी एक ट्री है और इसके हिस्से में भी एक ट्री है। आप चाहे तो और भी तरीके से, अलग अलग तरीके से इस जमीन को बांट सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि प्रत्येक के हिस्से में एक पेड़ जरूर जाना चाहिए। उसके बाद इसी विषय रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इफ ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड, कहता है कि ये जो प्रत्येक स्क्वायर देख रहे हैं, यदि ये जो एक स्क्वायर है, ये 1 मीटर स्क्वायर लैंड है, हाउ मच लैंड विल ईच ऑफ हर चिल्ड्रेन गेट, तो उसके प्रत्येक बच्चों को कितना कितना जमीन मिलेगा। तो टोटल एक स्क्वायर हो गया 1 मीटर स्क्वायर, तो टोटल लैंड हो गया टोटल 90 स्क्वायर, तो 90 मीटर स्क्वायर लैंड हो गया। और तीन बच्चे हैं, तीनों के बीच बराबर बराबर बांटना है, तो 90 / 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर। प्रत्येक बच्चे को कितना जमीन मिलेगा, 30 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कहता है कि छुमकी, झुमड़ी एंड इमरान नीड वायर टू मेक अ फेंस। इन तीनों को ही, छुमकी, झुमड़ी और इमरान, तीनों को ही वायर की जरूरत है। जो भी जमीन का बंटवारा हो गया उसको वो अब क्या करना चाहते हैं, घेरना चाहते हैं, फेंसिंग लगाना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें वायर चाहिए, तार चाहिए। तो हु विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग, सबसे लंबा तार किसको लगेगा घेरने के लिए, फेंसिंग के लिए। एंड हाउ मच वायर इन ऑल विल द थ्री नीड, और तीनों को मिला के टोटल कितना तार लगेगा ये पता करना है। तो इसके लिए हमें तीनों ही लैंड का पेरीमीटर पता करना होगा। तो यहां से यहां सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर हो जाएगा, ये वन मीटर लैंड है। तो यहां से यहां 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर × 1 मीटर करते हैं तब ना एरिया निकलता है 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब प्रत्येक स्क्वायर का प्रत्येक साइड 1 मीटर है। तो इस हिसाब से अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो यहां से यहां हो जाएगा 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. झुमकी को कितना तार लगेगा? 26 मीटर वायर लगेगा। इसी तरह झुमकी को कितना मीटर वायर लगता है? तो झुमकी का भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इसको भी टोटल 26 मीटर वायर लग जाएगा। देख लीजिए, ये प्रत्येक साइड इसका 1 मीटर है। पेरीमीटर निकालने के लिए सिर्फ बाहर के साइड को जोड़ा जाता है, अंदर कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ ये इसका बाउंड्री है, तो यहाँ पर भी 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर इस तरह से काउंट करके टोटल इसको भी झुमकी को भी 26 मीटर वायर लगेगा। और इमरान को भी आप इसको काउंट कर लें, इसको 24 मीटर वायर लगता है। तो झुमकी एंड झुमरी नीडेड द लॉन्गेस्ट वायर। झुमकी और झुमरी दोनों को लंबा तार लगेगा, 26 मीटर का तार लगेगा, और इमरान को 24 मीटर का वायर लगता है। टोटल कितना वायर चाहिए होगा? तो तीनों को जितना जितना तार चाहिए सबको प्लस कर देते हैं। झुमकी को 26 मीटर वायर लग रहा है, झुमकी को भी 26 मीटर वायर लग रहा है, और इमरान को 24 मीटर वायर लग रहा है। तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल 76 मीटर वायर लगेगा। थैंक यू।